हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम आमिद। गाइस, मैं आज आपको एक वैक्यूम क्लीनर मशीन रिपेयर करके दिखाना, यानी इस वैक्यूम क्लीनर मशीन से वर्क चल रहा था। गाइस, ये वर्क करते समय इसमें धुआं निकला है और ये चलना बंद हो चुकी है। तो गाइस, अब इस मशीन को मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। गाइस, मैं यहाँ पर आपको ओपन भी करके दिखाऊँगा, इसकी फिटिंग भी करके दिखाऊँगा और जो चीज़ इसमें रिपेयर करनी है वो भी रिपेयर करके दिखाऊँगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, मशीन मेरे पास आ चुकी है। अब इस मशीन को हमें पहले इस मशीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक ऑन ऑफ स्विच, जिससे आपको मशीन ऑन या ऑफ करनी होती है। गाइज, अब आपको ये एग्जिट एयर वाला हॉल मिल जाएगा, जहाँ से एयर एग्जिट होती है। यहाँ पर आपको नीचे वाला हॉल मिल जाएगा, जिसमें एयर इन होती है। तो गाइज, यहाँ पर ये दो चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अब इसकी हम वायर पावर केबल को हम चेक कर लेते हैं। तो गाइज, ये पावर केबल ख़राब तो नहीं होगा, ये हमें चेक करना होगा। तो गाइस, आप देख पा रहे हैं कि पावर केबल की जो ये है 2 पिन प्लग है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हीट हुआ है और ये पिघल चुका है। अब हमें इसे यहाँ से चेक करना होगा। तो स्विच को हमने ऑन कर लिया है और पावर केबल को हम यहाँ से चेक करते हैं। तो कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें कट लगा हुआ है, इसमें टेप लगा हुआ है कट लगने के बाद, यानी कि इसको जोड़ा गया है दोबारा से। तो गाइस, यहाँ पर मैं इसका टेप को हटा लेता हूँ और हटाने के बाद यहाँ से इन तारों को हमें चेक करना होगा कि ये 2 पिन टॉप ही तो ख़राब नहीं होगा इसका। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको हटा लिया है। अब इसको मैं आगे चेक करता हूँ तो इसमें आगे कोई रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है। पीछे की साइड में चेक करते हैं, यानी कि 2 पिन टॉप की साइड में, तो यहाँ पर ये एक वायर इसकी बोल रही है। और अब दूसरी वाली वायर को चेक कर लेते हैं तो ये भी अच्छे से वर्क कर रही है, यानी कि इसका जो 2 पिन टॉप है ये हीट हुआ है बट ख़राब नहीं हुआ है, जो कमी है वो अंदर है। तो यहाँ पर अब हमें मशीन को ओपन करना होगा। तो गाइस, इसमें 5-6 स्क्रू दिए गए हैं। ये 6 के 6 स्क्रू हमें खोलने होंगे। हर एक होल में एक एक स्क्रू लगा हुआ है। ऐसे ही सारे होलों में से हमें स्क्रू को हटा देना है और ये केप को हम यहाँ से हटा देंगे। तो सिंपली आपको ये मोटर बाहर देखने को मिल जाएगी। तो मोटर का आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन किस टाइप का है। तो गाइस, यहाँ पर मैं इसके 2 पिन आपको मिल जाती हैं, इन दोनों प्लग को मैं इसमें से निकाल देता हूँ। तो दोनों प्लग मैंने इसके निकाल दिए। अब निकालने के बाद पहले हमें वायर चेक करनी होगी, मोटर हम बाद में चेक करेंगे। तो गाइस, फिलहाल मैं मोटर को रख देता हूँ एक साइड में। आप इसके मॉडल को देख सकते हैं किस टाइप का ये है। ब्लोअर काफ़ी हैवी है इसका। तो गाइस, यहाँ पर अब मैं इसकी वायर को चेक कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ से मैं अंदर की साइड में वायर चेक कर लेता हूँ। तो गाइस, ये एक वायर तो बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी वाली वायर को चेक करते हैं। तो गाइस, ये भी ओके है, यानी कि बिल्कुल सही है। तो अब सिंपल मोटर को हमें चेक करना होगा। तो गाइस, यहाँ पर जिन में हमने पिन लगाई हुई थी वो चेक करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ से मोटर की फील्ड की जो इनर वायर है वहाँ पर चेक कर रहे थे। अभी हम होल्डर पर चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि आर्मेचर, यानी कि जो कार्बन है वो आर्मेचर में करंट पास कर रहे हैं, यानी कि कार्बन ऐसा लगता है कि बेहतर होंगे। अभी फील्ड को चेक करते हैं। तो फील्ड यहाँ पर एक साइड से एक होल्डर पे करंट पास हो रहा है। अब यहाँ से चेक करें तो यहाँ पर करंट पास नहीं कर रही है। तो गाइज, यहाँ पर अब हमें चेक करना होगा कि फील्ड की जो वायर है वो मिसिंग हो चुकी है, यानी कि होल्डर को करंट नहीं मिल रहा है फील्ड वाली वायर से, यानी कि फील्ड की जो आउटपुट वायर है वो होल्डर पर नहीं जा रही। तो हम सिंपल यहाँ पर होल्डर को खोल लेंगे, क्योंकि हमें जानना है कि क्यों नहीं इसको करंट मिल रहा है। तो गाइस, यहाँ से मैं होल्डर को निकाल लेता हूँ बाहर। तो जिससे आप देख पा रहे हैं कि इसमें हल्का सा शॉर्ट दिखाई दे रहा है। तो गाइस, यहाँ पर शॉर्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि सिंपल हमें यहीं पर चेक करना होगा। तो गाइस, यहाँ पर ये पत्ती इसकी जो है टच हो रही थी होल्डर से, वो जल चुकी है। अब मैं आपको दूसरी साइड खोल करके दिखाऊँगा कि वो पत्ती कैसी है, क्योंकि हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि दूसरी साइड में ऐसा क्या था कि इधर की साइड में जला है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्ती जो दिख रही है कि ये दूसरी पत्ती है, खड़ी पत्ती है जो उससे टच हो रही है होल्डर से। तो गाइस, ये इस साइड में जल चुकी है, इस साइड में वो होल्डर से टच नहीं हो रही है। अभी हमें ये चेक करना होगा कि प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है या इससे आगे भी है। तो गाइस, यहाँ पर मैं फिर से दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला तो पहले भी वर्क कर रहा था और अभी भी कर रहा है। अब इस वाले को चेक करते हैं। अब इस वाले पोल पे हम यानी कि फील्ड की दूसरी वाली कॉइल्स को यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ ये अच्छे से वर्क कर रही है, यानी कि फील्ड जो है वो ठीक है। तो हमें ऊपर से स्पेस बनाना होगा ताकि हम उसमें देख पाएंगे क्या है। तो मैंने पंखड़ी को हटा दिया है। अब इस कवर को हटा देंगे, यानी कि बैक में जो ये कवर लगा हुआ है, 2 स्क्रू इसके अंदर लगे हुए हैं। इन दोनों स्क्रू को खोलेंगे। खोलने के बाद ये हट चुका है, अब काफ़ी स्पेस बन गया, अच्छे से दिख रहा है सब कुछ अंदर। तो गाइज़, वहाँ पर जो है
अब हमें यहाँ पर शोल्डिंग आयरन से इसमें रंगा भरना होगा। तो गाइस इसके अंदर रंगा भर के फिर इसके अंदर हमें टाका लगाएंगे, ताकि ये काम हम, क्योंकि ये क्लिप हमारे पास नहीं है और अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए हमें इसमें जुगाड़ करना होगा। अब ये तार का टुकड़ा मैंने ले लिया है, इस तार के टुकड़े में मैंने रंगा भर लेना है थोड़ा सा अच्छे से। और अब यहाँ पर मैं इस तार के टुकड़े को इस रंगे शोल्डिंग आयरन से इस रंगे के थ्रू इसको ज्वाइंट कर दूंगा, यानी कि ये पक्के से बिल्कुल पक्का करके करना है, ताकि ये जल्दी से ना निकले, क्योंकि इसमें काफ़ी लोड होता है और ये 1400 वाट का होता है गाइस। ये जब इस पर मोटर तो छोटा है बट हेवी बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से हो चुका है ये गाइस। काफ़ी मैं इसको हिला रहा हूँ बट ये फिर भी रंगा जो है टूट नहीं रहा है, बिल्कुल अच्छे से हो चुका है इसका काम जो हमें करना था। तो गाइस मैं इसको साइड में कर देता हूँ, ताकि इसके ऊपर से, क्योंकि ठीक सामने आ रहा है, इसके ऊपर से दोबारा से कार्बन होल्डर लग सके। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कार्बन होल्डर लगने के लिए रेडी हो चुका है। अब इस कार्बन होल्डर को मैं इस खांचे में, यानी कि वापस से फंसा देता हूँ जिस खांचे में ये फंसा हुआ था। तो गाइस यहाँ पर मैं इसके खांचे में इसको फंसा देता हूँ, ये थोड़ा सा टाइट है बट लग चुका है पहले, क्योंकि वो ऊपर नीचे की साइड से ऊपर को प्रेस कर रहा था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल टच हो चुका है इससे, यानी कि टच हो गया है, और इसकी टच होने के बाद हो सकता है कि यहीं से जो है ये करंट पास करना स्टार्ट कर दे। तो मैं पहले इसके स्क्रू को लगा देता हूँ, ताकि ये पीछे को ना भागे। अब दूसरे वाले होल्डर को भी मैं इसमें सेट कर लेता हूँ, क्योंकि ये वाला होल्डर तो बिल्कुल सही था और अभी भी सही है। तो मैं इस वाले का भी स्क्रू इसके साथ में लगा करके इसको तैयार कर देता हूँ। अब मैं मल्टीमीटर इसमें लगाऊंगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वर्क कर रहा है, यानी कि मैंने अभी सिर्फ तार में नीचे टाका लगाया है, ऊपर उस वायर को नहीं जोड़ा है, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबी वायर के अंदर जोड़ी हुई है, कट करूँगा बाद में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अच्छे से वर्क करने लगा, यानी कि वो तार जो है काफ़ी टाइट, जो होल्डर लगा ना तो वो इसी वजह से टाइट लगा है। अब मैं इस वायर को यहाँ पर कट कर लेता हूँ, क्योंकि इस वायर का जो मेन मकसद है वो हमें पूरा करना है। तो यहाँ पर मैं इस वायर को कट कर लिया मैंने। अब कट करने के बाद इस वायर को छीलने के बाद गाइस इस वायर को मैं इस होल्डर के साथ में शोल्डिंग करूँगा, ताकि काम बिल्कुल मजबूत हो जाए। गाइस यहाँ पर अब लूजिंग हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इसमें, कोई इस तरीके का काम नहीं छोड़ेंगे कि बाद में दिक्कत पड़े। तो यहाँ पर मैंने देख पा रहे होगा कि मैं अब इस होल्डर के साथ में इसको शोल्डिंग कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मैं पहले होल्डर में शोल्डिंग करूँगा थोड़ी सी, और फिर उसके बाद में वायर उसके साथ में शोल्डिंग की जाएगी, क्योंकि ये नया शोल्डिंग हम करेंगे तो पहले होल्डर में शोल्डिंग करनी होगी। तो मैंने होल्डर में कर दी है और ये वायर के साथ भी कर दी है, बिल्कुल अच्छे से टाका लग चुका है, यानी कि अब जो नीचे वाली फील्ड है वो डायरेक्ट इस वायर के थ्रू होल्डर में जा रही है। तो अब नीचे की साइड से होल्डर अगर जो फॉल्ड नहीं करे या ना करे, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस मशीन के ऊपर। तो गाइस यहाँ पर बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब बेक वाला कवर लगाएंगे इसका, दो स्क्रू इसके हमें खींचने होंगे जो हमने खोले थे, तो दो स्क्रू इसके टाइट कर दिए। तो गाइस दो स्क्रू लगाने के बाद अब हमें इसकी पीछे वाली पंखड़ी लगानी होगी, जिससे मोटर को एयर मिलेगी कूलिंग के लिए। तो गाइस यहाँ पर इसमें यहाँ आगे चाबी लगानी होगी, और पीछे की साइड से मैंने इसको फुल टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद अब इसकी फिटिंग करते हैं। तो गाइस यहाँ पर नीचे रबड़ लगी हुई है, नीचे की रबड़ लगाएंगे और मोटर को इस तरीके से उल्टा करके डालेंगे, यानी कि इसके जो फैन हो बाहर करेंगे, और दो क्लिप जो है सिंपल जो हमने निकाले थे पहले, वही हम इसके अंदर लगा देने हैं। लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम मोटर को बिठाएंगे, नीचे रबड़ का रिंग लगा हुआ है, अब एक रिंग ऊपर लगाएंगे। तो गाइस ये है, वाइब्रेशन नहीं करेगी फिर। अब पीछे वाली जो है केप इसका लगा देंगे। तो गाइस यहाँ पर केप लग जाएगा और ये वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि इसके दोनों साइड में रबड़ है। इसमें बाकी कुछ ऐसा नहीं लगाया गया है कंपनी की साइड से कि इसको जो है पकड़ लिया जाए मोटर को। तो गाइस यहाँ पर सिर्फ इस रबड़ पे ही इनका काम होगा। यहाँ पर मैंने इसके स्क्रू खींचने हैं, खींचने के बाद स्क्रू बिल्कुल फुल टाइट हो जाएंगे। अब इसको मैं एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लेता हूँ कि ये इतना काम हमने किया है कि इसमें कोई वायर तो नहीं रह गई। तो पहले बिल्कुल ओके हो चुका है, ऑन ऑफ वाला स्विच। अब इसको करते हैं टेस्टिंग, चलिए चलते हैं 220 वोल्ट एसी की ओर। अब यहाँ पर इसको मिल जाते हैं 220 वोल्ट एसी, और देख पा रहे हो साउंड क्या धांसू है। तो गाइस साउंड इसका बहुत बड़ा है। बढ़िया हो चुका है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।